लेकिन ये लोग इतनी बर्फ डाल रखी है, इतनी बर्फ डाल रखी है बहुत ज्यादा, जैसे जूस वाले डालते हैं ना डबल कर देते, वैसे ही इन्होंने भैया मजा कर रखा था बर्फ डाल के। मठा देखते हैं भाई साहब, पिलाना मालिक साहब एक गिलास मठा। नमक वमक डाला इसमें? दवा के पूरा बना उसमें नहीं थी इतनी जिंदगी मस्त, और इसमें है और अच्छा लग रहा है। तो 500 रुपए ले जाता हूँ ना ऑटो की झाड़ी वाड़ी निकालेंगे तो अच्छा है। उसमें सुबह या और रात का पता नहीं है, गाड़ी बज रही है ड्यूटी नहीं बज रही है क्या है कहाँ गुड़गांव फंसा दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पर। दोस्तों आनंद विहार स्टेशन खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई सवारी आ जाए। चैनलों पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। गर्मी बहुत हो रही है आनंद विहार में और सवारी जो है ना इतनी जा रही है गाँव की। भाई ईद है, ईद का मतलब है कि सब अपने गांव जा रहे हैं, और हम भी अभी आए थे आनंद विहार सवारी लेके, तब सोच रहे हैं यहाँ से खाली जाए या फिर सवारी लेके जाए, पता नहीं। अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, पूछा तो है ट्रेन आ रही है लेकिन लग नहीं रहा, आधा घंटा तो हमें यहाँ पे हो गया है। और अभी ये देख रहे हो सारे ऑटो भर भर के आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं भाई। देख लो ये ऑटो की पार्किंग है हमारी यहाँ पे, जितने भी पार्किंग है ना ये सब ऑटो की है पार्किंग। ये यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी लगती है सारी, और देख रहे हो आनंद विहार रेलवे स्टेशन वगैरह। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं यार गर्मी में, बड़ा यहाँ पे ना गर्मी इतनी हो रही है, धूप में तेल निकल रहा है तेल हमारा, समझ रहे हो। तेल का मतलब है भाई मेहनत, मेहनत का मतलब है फोटो चलाना, ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब पे काम करना। आँख भी नहीं खुली है धूप के मारे, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत। 45-50 डिग्री पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बाहर जाओ यहाँ से निकल गई। ऑटो है अपना सर, हमें तो बहुत घूम के आना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर आगे से बन पे है ना आगे। ऐसे ही धूप में खड़े रहेंगे और अब इंतजार करेंगे सवारी का भाई हम, कि सवारी आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ट्रेन आ जाए आ जाए। देखो दोस्तों ऑटो की झाड़ी भी निकालनी पड़ती है, घर का खर्चा है, CNG है, बाद में पता लगेगा कितना पेमेंट आएगा कितना नहीं आएगा, सब कुछ दिखाएंगे हम आपको, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ दिखाएंगे। पहले पूरे महीने काम करना है, और काम करने के बाद में फिर देखते हैं कितना पेमेंट आता है, वो भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे यार। फेसबुक यूट्यूब पे दिखाने का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं कैसा जी। दोस्तों आनंद विहार से कुछ नहीं मिला है भाई, आनंद विहार से खाली 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 बाहर आ गया हूँ। देख लो ये देखो ट्रेन देख रहे हो, ये बाहर है। तो यहाँ से हम कौशाम्बी की तरफ देखेंगे, और वहां से जो है आपकी ही सवारी मिल जाती है। ट्रेन जो है जा रही है बेचारी, खाली 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 ट्रेन जा रही है, देख रहे हो खाली खाली ट्रेन जा रही है। और हमने सोचा मैंने कि चलो भाई यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, तो कौशाम्बी की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पे मठा वाले भैया है, मठा पी लेते हैं एक गिलास। मठा पी लिया नहीं पिया? मठा पी लिया क्यों? नहीं पीता है, नहीं पीता है। क्या नहीं पीता है ना? क्यों? प्रॉब्लम है सूजन का। अच्छा अच्छा नहीं पीता है। चलो हम तो पिया एक गिलास। एक गिलास जूस, जूस नहीं मठा, मठा देखते हैं यहाँ पे। देखो सारे के सारे ये मठा बेचते हैं भाई साहब, पिलाना मालिक साहब एक गिलास मठा। नमक वमक डाला इसमें? दवा के पूरा डाल ले हैं। जैसे जूस वाले डालते हैं वैसे तुम डाल लो। पियो भाई पियो, ठंडा ठंडा। तो पैसे इसका रखेंगे। हाँ मजा आ गया भाई, ठंडा 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 ठंडा। सारे ऑटो वालों को पता लग गया कि तुम मठा बेचते हैं यहाँ पे, यूज किया था ना। लो
आपने दे दे यार मेरे को, मेरा अरे ऐसी वहां से बना पड़ गई। ये लो पैसे लो, पांच नंबर वाला है। ये जाम लग रहा है ना, जाम की वजह से दिक्कत हो जाएगी। भाई 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 सही कह रहे हो, जाम लग रहा है, जाम जल्दी करो, जल्दी अंदर पैसे दो। तुम साइड में लगा दो, जाम लग जाएगा तगड़ा वाला। हाँ चलो, मठा पी लिया, मठा पी के सीधा चलना है भैया कोस्वामी की तरफ। और यहाँ पे जो है जाम लग गया ज्यादा। दे औरन। मठा तो ठीक है, लेकिन ये लोग इतनी बर्फ डाल रखी है, इतनी बर्फ डाल रखी है, बहुत ज्यादा। जैसे जूस वाले डालते हैं ना, डबल कर देते, वैसे ही इन्होंने भैया मजा कर रखा था, बर्फ डाल के। दोस्तों देखते हैं कौशाम्बी में हमारे नसीब में क्या है क्या नहीं। मिलते हैं आपको कौशाम्बी। आनंद विहार में अंदर था अभी, अब मैं बाहर रिंग रोड पे आ गया हूँ, तो कौशाम्बी की तरफ मिलते हैं आपको। बने रहे हमारे ब्लॉग पे, ब्लॉग पूरा देंगे ना दोस्तों, मजा आ जाएगा। और कौशाम्बी की तरफ पहुंच गए गाजियाबाद, करगडुआ NH-24। यहाँ पे बोर्ड आ गया, देख लो NH-24 का बोर्ड आ गया है, ये रहा, समझे हो। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों आनंद विहार EDM मॉल के पास आ गए भैया, घूम घाम के अंदर से कोई सवारी वारी मिली नहीं है। और ये भैया भट्टे वाले अंकल, एक पांच वाला दे देना, पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, ऑटो वाले हम नहीं है। अंकल नहीं है, पांच वाला नहीं देंगे हैं? एक लिए 20 रुपये है, पांच वाला दे दो ना, पांच वाला दे दो। देख कितना नमक खाएगा है, लगवा ले इससे, कितना लगवाएगा नमक। अंकल जी बीस रुपए का है भाई, ये वाला कितने का, 10 का। चलो तुम 20 वाले ही दे दो, कोई बात नहीं, 20 वाला ही दे दो, खाते रहेंगे उसे, धीरे धीरे चबाते रहेंगे। दाना देखो, दाना ये दो, करो ऐसे करो, इसको खाएंगे आज हम। दोस्तों EDM मॉल देख रहे हो, ये सामने EDM मॉल है भाई, और यहाँ पे खड़े हुए हैं इस समय हम सारे ड्राइवर। गर्मी इतनी हो रही है, देख रहे हो सारे ड्राइवर जो है ना यहाँ पे आराम कर रहे हैं भाई, आराम, काम धाम है नहीं बेचारे, क्या करें। ऑटो वालों की जिंदगी है ही खराब भाई, कहने का मतलब ये है, सभी जो है यहाँ पे ऑटो लगा के बैठे हुए बेचारे, गर्मी में धूप में सवारी है नहीं, समझ रहे हो। तो भुट्टे वाले अंकल थे, हमने सोचा एक भुट्टा खा लेते हैं इनसे लेके, तो 20 रुपये और खर्च कर दिए, क्या करें। लेकिन पेट में खा रहे हैं, कोई गलत चीज थोड़ी ना, पेट में तो खा ही सकते हैं ना। बर्गर लोगे तो 99 रुपये में मिल जाएगा, तो मैं देख लो एक, और यही बर्गर तुम्हें 20 रुपये का मिल जाएगा। अगर EDM मॉल में जाओगे तो ये बर्गर तुम्हें मिल जाएगा 99 रुपये में, और यही बर्गर तुम्हें थैली में 20 का मिल जाएगा। यानी कि अमीरों के लिए ये 99 रुपये वाला, और गरीबों के लिए थैली लग रही है वहां सामने, तो 20 रुपये का दे रहा बेचारा।
यानी कि गरीब लोग 20 वाला खा सकते हैं भैया, 99 वाला अमीर लोग खा सकते हैं, समझ रहे हो। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है साफ साफ वहाँ पे, और भैया हम तो भुट्टा खा रहे हैं 20 वाला, इसी में खुश हो जाएंगे और निकल जाएंगे टहलते फहलते। पता नहीं देखो अभी कहाँ 5 बज रहे हैं, 2-3 घंटे और हैं, गाड़ी देनी है हमें। गाड़ी देने के बाद में चले जाएंगे भैया, गाड़ी दे देंगे गाड़ी मालिक को, पहले भुट्टे का आनंद ले ले। भुट्टा गर्मियों में भुट्टे आ जाते हैं, समझ रहे हो, भुट्टे आ जाते हैं गर्मियों में। इतनी मेहनत कर रहे हैं अंकल, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं बेचारे। बस वही है ना, गरीब आदमी की जिंदगी खराब है यार, पता है क्यों। सुबह से आए मंडी गए, मंडी से लेके आए, अब इनको बेच रहे हैं 20-20 रुपए का, तब जाके इनका पैसा इकट्ठा करेंगे, समझ रहे हो। तो भुट्टा खा लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कहाँ की लोकेशन है, आगे कहाँ की नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, पता कुछ नहीं। आपका दिमाग खराब कर दिया ड्राइवर ने हमारे, जो ड्राइवर था ना उनने गाड़ी लेट दी थी हमको, इसीलिए काम भी नहीं हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, पहले भुट्टा खा लेते, भुट्टा खा के चलते हैं। आ रहे हैं और ये कैब वाले भैया है और हमें ऑटो ड्राइवर, हमने कराया 1000 रुपये का काम, इन्होंने कराया 1400 रुपये का काम, कम से कम 1000 रुपये का तुम खर्चा ही खर्चा हो गया हुआ। अपने में ये फायदा है भाई, मैंने भी 3 दिन पहले ओला उबर खड़ी कर दी है, ऑटो चला रहे हैं, किराए पे खोते हैं, 600-700 रुपये लेके जाता हूँ आराम से, भुट्टा खा रहा हूँ मजे से, ओला उबर वाला देख लो। जो हंसी है ना मेरी, वो कैब में नहीं थी, ये ऑटो में, समझ लो, उसमें नहीं थी इतनी जिंदगी मस्त, और इसमें है, और अच्छा लग रहा है। जो 500 रुपये ले जाता हूँ ना ऑटो की झाड़ी वाड़ी निकालेंगे तो अच्छा है, उसमें सुबह या रात का पता नहीं है, गाड़ी बज रही है ड्यूटी नहीं बज रही है, क्या है कहाँ गुड़गांव फंसा दिया भाई, ओला उबर ने जिंदगी आराम कर दी हम लोगों की, ऑटो वालों की नहीं कार वालों की। भाई ओला उबर में हम ऑटो वाले फिर भी कमा खा रहे हैं बढ़िया से, अभी बता रहा हूँ मैंने, और ये मैंने वीडियो भैया का स्पेशल बनाया, मैंने इनका काम देखा, समझे हो, काम देखा मैंने, तो 1400 रुपए का काम कराया, बताओ 1400 रुपए में कितना सीएनजी लग गया हुआ है, बताओ। जिंदगी बेकार कर दिया ओला उबर वाला तुमने हमारी।